नमाज की फिक्र करो बैलेंस की तरह, अजान सुनकर उठो रिंगटोन की तरह, कुरान ध्यान से पढ़ो मैसेज की तरह। जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी नेटवर्क की तरह। नंबर दो, तीन चीजें अल्लाह को बहुत पसंद हैं, सर्दी में वजू करना, गर्मी में रोजा रखना, जवानी में इबादत करना। नंबर तीन, माँ मोहब्बत का समंदर है, बाप शफकत का समंदर है, माँ दुआओं का जखीरा है, बाप अताओं का जखीरा है, माँ घर का हीरा है, बाप घर का चिराग है, माँ जन्नत की जमानत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। नंबर चार, जब माँ छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह हम सबके वालिदीन को सलामत रखना। नंबर पाँच, एक गलती हो जाए तो लोग बात नहीं करते, और हमसे इतने गुनाह होने के बाद भी अल्लाह हमारा रिज्क बंद नहीं करता। नंबर छह, नमाज चेहरे का नूर है, कुरान दिल का सुकून है, वजू से शक्ल, कुरान से अकल और नमाज से नस्ल पाक होती है। नंबर सात, कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम पड़ जाती है, मगर वाहिद अल्लाह का घर मस्जिद है, जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।